एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लक टीवी गर्ल श्रेया। हाय, आई एम श्रेया। तो आज का वीडियो थंबनेल और टाइटल से समझ में आ गया होगा आपको, एंड दिस इज द पार्ट 3rd ऑफ माय डिजाइनर ब्लाउज कलेक्शन। चलो फिर देखते हैं कि आज मैं आपके साथ कौन कौन से ब्लाउज, यू नो, डिजाइनर ब्लाउजेस शेयर करने वाली हूँ। एंड ऑलमोस्ट सारे ऑनलाइन ही है इसमें एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आज ना मैं आपके साथ एक दो पीसेस ऐसे हैं जो कि थोड़े बेसिक्स हैं बट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो जो सबसे पहला है, बहुत ही सिंपल बेसिक सा ब्लाउज है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से कैरी करो ना तो ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लाउज। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिल्क फैब्रिक में है, ये शाइनी सिल्क फैब्रिक एंड पिंक कलर का है, फूशिया पिंक कलर का है। वीडियो में ना ये कलर थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट की वजह से। तो दिस इज़ द ब्लाउज, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल डीप नेक है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से। तो ये वाला ब्लाउज मैंने मीशो से लिया है, कुछ 200 और 300 की है, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। इसमें मेरे पास एक ग्रीन में भी है और एक रेड में भी है। तो रेड वाला भी बहुत प्यारा लगता है, मैं ऑलवेज स्टाइल करती हूँ उसको। वो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, तो काफ़ी प्यारा है। इस टाइप का एक बेसिक ब्लाउज़ आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस टाइप के स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अगर आप इस टाइप के स्लीव्स पहन में कम्फर्टेबल हो ना तो एक ज़रूर ऐड करो। डिफरेंट शेड में भी आप रख सकते हो, जैसे मैंने रखा है, ग्रीन है, पिंक है, रेड है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, आपके लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है आपको। तो इस टाइप का एक पीस आप रख सकते हो, ये सिल्क फैब्रिक में है। मेरे पास जो रेड वाला है वो टी शर्ट वाला जो फैब्रिक होता है ना, उस टाइप का है। तो या दिस इज़ द फर्स्ट पीस जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगी। इस टाइप के ब्लाउजेज आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो, मैंने मीशो से लिया है। सो या दिस इज़ द फर्स्ट वन। लेट्स सी द नेक्स्ट ब्लाउज, जो कि अगेन काफ़ी प्यारा है एंड जो आपके मोस्ट ऑफ द आउटफिट के साथ जाने वाला है। सो दिस इज़ द ब्लाउज। इसका जो फैब्रिक है वो खादी कॉटन फैब्रिक है। इस पर जो प्रिंट हो रखा है वो इक्कत प्रिंट है, तो ब्लैक कलर में इक्कत प्रिंट है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड ये ब्रांड है आई गेस स्टूडियो श्रृंगार, आई गेस, लेट मी चेक, ये श्रृंगार ब्रांड की है ये। तो दिस इज़ हाउ इट्स लुक्स। ऊपर एंड नीचे के साइड में आपको कुछ इस तरीके से राउंड कॉटन का ही बॉल टाइप का कुछ है, तो काफ़ी प्यारा लगता है। इसमें आपको स्लीव्स वाला भी मिल जाएगा थोड़ा डिफरेंट प्रिंट में, बट वो भी अच्छा लगता है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था आई गेस अमेजोन से, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। सबके लिंक नीचे होंगे तो आप चेकआउट कर लेना। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन। बैक से इसमें आपको हुक मिलता है, पिंक वाले में भी बैक से हुक था एंड इसमें भी है। तो आप इस टाइप का यू नो स्टिच भी करवा सकते हो, अगर आप चाहो तो स्लीव्स वाला स्टिच भी करवा सकते हो या फिर ऐसा स्लीवलेस। तो जो पिंक वाला मैंने दिखाया उस टाइप का भी आप स्टिच करवा सकते हो। तो काफ़ी प्यारे लगते हैं इस टाइप के पीसेस, आप ज़रूर यू नो अपने कलेक्शन में ऐड करो। तो थोड़ा डिज़ाइनर काइंड ऑफ अ लुक देता है आपको। ये वाला जो ब्लाउज है ना, कॉटन साड़ियों के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इसलिए ये वाला पीस भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी। सो या दिस इज़ द नेक्स्ट वन। ओके, लेट सी द नेक्स्ट ब्लाउज, जो कि इंडिया ब्रांड की है। एंड इंडिया ब्रांड के जितने भी क्रॉप टॉप्स होते हैं वो सारे डिज़ाइनर ही होते हैं, एंड दिस इज़ अगेन अ डिज़ाइनर पीस। सो ये बहुत ही बेसिक सा कलर है, बेज कलर का है, गोल्डन बेज कलर का है, जॉर्जेट फैब्रिक में। इस पे थ्रेड एंड सीक्वेंस का वर्क है कुछ इस तरीके से। फ्रंट में आपको पूरा ऐसा वर्क मिलता है, बैक साइड में आपको इसमें चेन मिल रहा है, कुछ इतना लंबा है ये। इट्स अ क्रॉप टॉप, तो काफ़ी प्यारा है। आप इसको एज अ ब्लाउज पहन सकते हो, अपने स्कर्ट साड़ी प्लाजो के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। तो या दिस इज़ द नेक्स्ट पीस जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगी। एंड कलर ऐसा है कि आपके किसी भी आउटफिट के साथ जाएगा, यू नो रेड के साथ ही बहुत प्यारा लगेगा, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, जो भी डार्क कलर है ना उनके साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। तो या दिस इज़ द नेक्स्ट वन। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट ब्लाउज है वो भी सेम ब्रांड का है, इंडिया ब्रांड का, एंड दिस इज़ द ब्लाउज। सो ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा मॉस्टर्ड टर्मरिक काइंड ऑफ अ येलो शेड है, बहुत ही प्यारा सा येलो शेड है ये। ना ही मॉस्टर्ड कलर है ना ही ये पिंक वाला कलर है, आई डोंट नो ये कौन सा शेड है, लेकिन बहुत ही प्यारा सा येलो शेड है ये। इसका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बहुत ही प्यारा येलो शेड है। एंड इस पे फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से सीक्वेंस का वर्क मिल रहा है, जो कि एक डिज़ाइनर लुक देता है आपके यू नो ब्लाउज को। स्लीव्स इसमें पतली है, फैब्रिक इसका जॉर्जेट है, साइज़ मेरा लार्ज है इंडिया ब्रांड में, मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि मेरा साइज़ उसमें लार्ज ही होता है। एंड इसमें आपको साइड से जिप मिलता है,
तो दिस इज़ द पीस, बहुत ही खूबसूरत पीस है. आप इसको भी यू नो अपने डिफरेंट डिफरेंट साड़ियों के साथ, स्कर्ट के साथ, प्लाजो के साथ, बहुत सारे यू नो आउटफिट के साथ, आप इसको जितने भी इतने के आउटफिट होते हैं ना उसके साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हो. बहुत प्यारा लगेगा ये. तो इस टाइप के ब्लाउजेज़ भी आप यू नो स्टिच करवा सकते हो या फिर बाय कर सकते हो, जैसे मैंने बाय किया है इंडिया ब्रांड से. तो काफ़ी प्यारा पीस है एंड आई गेस इसमें एक दो शेड और भी है. आई गेस मुझे अभी ध्यान में नहीं है, बट आई थिंक इसमें कि आपको एक दो शेड और भी मिल जाएंगे. तो ये वाला पीस भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, काफ़ी प्यारा पीस है, देख सकते हो. द लास्ट वन जो कि अगेन मेरा फेवरेट वाला है एंड ये बहुत ही खूबसूरत पीस है. इसमें ना आपको एक शेड और मिल जाता है, आई गेस लाइट ग्रीन कलर की, बहुत ही प्यारी सी, वो कलर भी बहुत प्यारा है. एंड मेरे पास जो शेड है वो ये बेबी पिंक कलर का है. तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है. अगेन जो इसका फैब्रिक है वो जॉर्जेट का फैब्रिक है एंड जस्ट लुक एट द ब्लाउज, कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये. इसका जो कट है नीचे से एंड ऊपर से वी नेक मिल रहा है आपको एंड नीचे से भी वी शेप में कट है और ये जो मोती हैंग हो रखा है उसकी वजह से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आता है. जब आप इसको यू नो अपने प्लाजो या फिर स्कर्ट के साथ पेयर करते हो ना, तो जब वो टमी पे दिखता है बहुत ही खूबसूरत लगता है. तो दिस इज़ द पीस जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी. आप ऐसा या तो स्टिच करवा लो इस टाइप का नेक डिज़ाइन, फ्रंट ऊपर और नीचे के साइड पर जो डिज़ाइन है इसका. इस टाइप के ब्लाउजेज अभी मैं बहुत सारे वेबसाइट पे देख रही हूँ, यू नो मिंत्रा पे भी मैंने देखा है, डिफरेंट शेड एंड डिफरेंट पैटर्न में जो नेक का डिज़ाइन है ऊपर और नीचे के साइड में जो डिज़ाइन है, इस टाइप के डिज़ाइन में, इस टाइप के कट में आपको बहुत सारे ब्लाउजेज मिल जाएंगे. बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, कुछ हैवी वर्क में भी है यू नो एंड कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में भी हैं. तो आप ज़रूर चेकआउट करना, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पर आपको मिल जाएगा. तो आप देख सकते हो अगेन एंड इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड में सेम मिलता है, साइड से जिप है और आप डिज़ाइन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है. कलर बहुत ही प्रिटी है, इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही प्यारा लगेगा ये वाला और जो इसके पहले मैंने दिखाया आपको येलो वाला. ये दो ऐसे शेड है जो हर इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही प्यारे लगते हैं. तो यार दिस इज़ द लास्ट पीस of this video. So yeah guys, that's all about it. I hope कि मेरा ये video आपको पसंद आया हो and जितने भी blouse pieces share किए हैं सबके link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे. एक मीशो का था तो उसका code नीचे होगा, तो आप checkout कर सकते हो. आप चाहो तो you know इन सारे blouses को stitch करवा लो या फिर buy कर लो, बहुत ही खूबसूरत है. अगर आप sleeveless पहनने में comfortable होते हो, although इसमें सारे यहाँ sleeveless ही थे, तो अगर आप स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल हो तो आप ये सारे ब्लाउजेस ट्राई कर सकते हो, बहुत ही प्यारे लगते हैं एंड ये सारे शेड यू नो आप किसी भी स्किन टोन के हो बहुत ही प्यारे लगेंगे. तो या आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो एंड वीडियो पसंद आया हो तो यू नो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. तो या मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.